ये जयपुर है, पिंक सिटी। जितना प्यारा शहर उतने प्यारे लोग। और ऐसा ही एक परिवार है बंसल परिवार, जिस परिवार की एक कहानी है जहां तीन पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। अरे कोई उठा लो, जानवी। फोन उठा लो ना जी। और ऋषु को भी उठा लो, भाई साहब सो रहे होंगे अब तक। उठ जा ऋषु। योगा मत करने देना मुझे, कोई इसको कटवा ही दूंगा। कहीं रहने दे, मारो फोन है, मैं ही उठाऊंगा। अब आज के जमाने में भी आप क्या लैंडलाइन के चक्कर में लगे हुए हैं? जब तक आप चल के आए कट गया, कटवा लो ना। टंगन है? लैंडलाइन कटवा लो पापा, टंगन। अच्छा, मैं थारे कहने पे लैंडलाइन कटवा दूं, तू मारे कहने पे बने क्रिकेटर, तू तो बने बैंक मैनेजर, बात की सुनी कोनी? पापा मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, एक अच्छा सा मोबाइल ले लेते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। तो रहने दे भाई, मैं गाऊं दिवाली रा, तू गावे होली रा, मैं ची कुनी। अपन लैंडलाइन में खुश और करना क्या है? घंटी बजनी है, फोन उठाना है, बात करनी है, बात खत्म। वो तो इससे भी हो जावे। फालतू रा सोख चढ़िया। अच्छा तेरे जीजा जी का नंबर बोल। जीजा जी का अटे वटे कटे 26-10-479 मुंह जबानी याद से। तेरे मोबाइल फोबाइल की जरूरत को नहीं। ठीक, मैं तो बस इतना कह। भाई मैनेजर, मैदान में एक कटोरा ऊपर तो आटो घाला कोनी और फालतू रो ज्ञान मो लेवा कोनी। दो चीजें की जरूरत कोनी, एक मोबाइल, दूसरी थारी सलाह। ठीक 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 पापा। पापा क्या बोलते रहते हैं? तू क्यों जी छोटा करे? नीम और करेले के बाद जिका नंबर आए नहीं, थारे पापा है। कहीं बोले थे? कहीं सुने? सुनी तो कोनी। तो मैं भी बोली कोनी। वाह, क्या बना रही हो? उठे भाई साहब। रेशो शर्त लगा लो, अब तक उठा नहीं होगा। उठ जाएगा। कैसे? हेलो। उठ गए? चलो अब जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाओ। मॉम, क्यों हमेशा यही फोन ट्रिक से उठाती हो ना? क्या करूं बेटा, ट्रिक भी तो हमेशा यही काम आती है। चलो जल्दी करो प्लीज। और ऋषु, फोन समेत मत घुस जाना नहाने। अरे मोनिया, कल तुम फोन किया तो क्या?
अरे मैं मोबाइल को नहीं रखू भाई, अपा वो काम लैंडलाइन से हो जावे। लीजिए। क्या हुआ? गरम पानी है, उबल आप रहे हैं, हुआ क्या? पापा मुझे ना कभी समझे ही नहीं। आप बादाम खाइए। ठीक ठीक। और जल्दी से ऑफिस के लिए रेडी हो जाइए। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग बच्चा। सॉरी 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 सॉरी। गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग मॉम। ये ले। थैंक यू। ये ले। ये आप लीजिए। अरे ढूंढ चुका हूं मैं, कितना खाऊंगा। खाइए। मम्मा। हाँ? व्हाट इज दिस? आपने ऋषभ के पराठे में बटर नहीं बल्कि बटर में पराठा डाला है, एंड मेरे पराठे में नो बटर? दिस इज नॉट फेयर मम्मा। बेटा तू ज्यादा बटर खाएगी ना तो दो चीजें बढ़ेंगी, एक तो तेरा वजन और दूसरी हमारी टेंशन। बेटा शादी के लिए अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, वैसे भी पढ़ाई की वजह से तेरा जिम जाना बंद है, थोड़ा संभाल के। ये तो गलत बात है मम्मा, मुझे इस घर में बटर इसलिए कम मिलता है ना, जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल। आपने ऋषभ के बच्चों को ना बटर खिला खिला के सांड बना दो, नो प्रॉब्लम। बट मम्मा मैंने बस इतना सा बटर मांगा था, इतना सा चीटी भर बटर क्या मांग लिया? आप तो मेरी शादी के हॉल तक पहुंच गए, जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल। ऋषु जरा बटर देना। मेरी गुड़िया ले, ये ले और खा, पूरी की पूरी बटर में डूब जाए। ये आजकल के बच्चे भी, इनकी भलाई के लिए कुछ भी कहो तो उल्टा हम ही को लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। और आप कुछ मत बोलिएगा, बस ऐसे ही बैठे रहिए। नहीं मैं बोल ही रहा था, बोलने वाला था मैं। क्या बेटा? मम्मी का मतलब वो शादी वादी का नहीं है, वो इसलिए बोल रही है क्योंकि हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है ना। अपनी मम्मी को देख लो, जब शादी से पहले मुझे मिली थी तो बिल्कुल माधुरी लगती थी, अब देख लो। और अब आलिया लगती हो। हाँ पीना। नहीं झलक तो मारती हो। कुछ भी बोलते तुम्हारे पापा पीना। रुमाल कहाँ रह गया? हाथ में मक्खन लगा हुआ है। अरे भाई रुक जा, ले बंद हो गया। इसलिए पापा कह रहा हूँ कि नॉर्मल फोन की जगह स्मार्टफोन ले लीजिए। देखा आपको पता भी नहीं चला किसका फोन है, स्मार्टफोन होता तो नाम आ गया होता। नहीं भाई मुझे स्मार्टफोन नहीं चाहिए, मैं इसी में खुश हूँ। फोन तो आना होता है, फोन आ जाता है, मैसेज भी आ जाता है। ऐसा क्या स्मार्टफोन में जो इसमें नहीं है? एक बात बता 56x7 कितना होता है? एक सेकंड। हाँ घुस जा उसमें, घुस जा। 392 होता है। स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है मुझे, मैं वैसे बहुत स्मार्ट हूँ। पर पापा आपके पास व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ये सब तो नहीं है ना? नहीं चाहिए भाई, ये सब चाहिए नहीं मुझे, मैं वैसे बहुत खुश हूँ। ठीक है माफ करो। अरे माधुरी चल। अरे आलिया। ओहो जानवी आप ये लीजिए। जा रहा हूँ मैं। बाय बाय बेटा। भाई साहब छुट्टी है क्या आज? नहीं तो फिर खाओ और जाओ। देखा ना दीदी, पापा मुझे कभी नहीं समझेंगे, पूरी बात सुनी भी नहीं, सुना के चले गए। टिट्टू। हाँ जी मम्मी। आज ना बैंक से थोड़ा जल्दी आ जाना। क्यों कोई खास बात? हाँ अपने स्वप्निल का प्रमोशन हुआ है। अरे वाह। वो पार्टी दे रहा है। वाह भाई वाह, आ जाऊंगा। सुन लिया भाई, तैयार है ना? ठीक है ठीक। खुश रहे, ध्यान से जाना, जल्दी जल्दी खा लो फिर स्कूल भागो। क्या हो गया भाई? पापा वो साइकिल की चेन टूट गई। चलो मैं स्कूल छोड़ देता हूँ। स्कूटर पे? नहीं हवाई जहाज पे। आओ फ्लाइट रेडी तुम्हारी, चलो। अरे क्या कर रहे हो? बैठो। किक कौन मारेगा? चलो चलो। मार भाई। रुक जा रुक जा।
रिजर्व तो नहीं लग गया अमर? हाँ आजा आजा बैठ गया। हाँ नमस्ते भाई साहब, सब ठीक? देखिए देखिए सबके पास स्मार्टफोन है। क्या क्या खीखी? ए ये तो बहुत टफ है यार। एक सेकंड ना रिशु, ये क्या किया तूने? क्या क्या बेटा? ताऊजी को स्मार्टफोन लेने का दिया तूने सजेशन, अब तेरी लाइफ में बढ़ेगी कॉम्प्लिकेशन। यो यार ऋषभ, तूने क्यों बोला ताऊजी को स्मार्टफोन लेने के लिए? तो उसमें क्या हुआ? चिल चिल बेटा, वो है ना वहां पे हो गया है किल। यो क्या ब्रो? राहुल रस्तोगी ब्रो, वो है ना अपने घर पे झूठ बोल के अपने फ्रेंड्स के साथ फिल्म देखने गया था, ये राज मंदिर में। वहां पे उसके किसी दोस्त ने उसके संग सेल्फी खींच के दिखाया अपना स्वैग, और पता है उसे कर दिया फेसबुक पे टैग। ब्रो वो पोस्ट राहुल के पापा के फेसबुक पे आ गई, और फिर राहुल के पापा ने राहुल की देख कुटाई देख कुटाई देख कुटाई। एक सेकेंड, राहुल के पापा फेसबुक पे थे? वाओ वाओ वाली कोई बात है नहीं इसमें। सुन ब्रो देख, ये जो पापा लोग होते हैं ना ब्रो, ये स्मार्टफोन लेके ओवर स्मार्ट हो जाते हैं। ब्रो चिल, मेरे पापा फेसबुक पे कभी नहीं आएंगे। तू भी मेरी बात सुन ले फिर, मैं कह रहा हूं लिख के ले ले मेरी बात। अगर ताऊ जी ने स्मार्टफोन ले लिया ना ऋषभ, तो बेटा लगेगी तेरी वाट। यो भगवान, पापा स्मार्टफोन ना खरीदे। भाई साहब जी, एक स्मार्टफोन देना। हाँ जी। सोचा था स्वप्निल भैया को प्रमोशन मिला है तो पिज्जा बर्गर और पास्ता की पार्टी होगी, लेकिन हमेशा की तरह यही ले आए, चौकी धानी दाल बाटी खिलाना। चुप कर, फुफा जी ने सुन लिया ना तो बवाल हो जाएगा। कहाँ घूम रहे हो तुम लोग? वैसे तुम्हें एक बात बता दूं कि पार्टी तो तब हुई थी जब हमारा प्रमोशन हुआ था। अब फूफा जी आपने पार्टी कहाँ दी थी? अरे यहीं चौकी ढाणी में, और कहाँ। सब आ जाओ, बच्चों कहाँ थे, आ जाओ जल्दी आओ। आओ बेटा। हाँ भाई। टीटू भैया, टीटू भैया। हाँ। पार्टी ना आपकी तरफ से भी बनती है, क्यों रुचि? हाँ भैया। एक मिनट, ऐसा हुआ है क्या कि भाई इनकी तरफ से भी पार्टी बनती है? मतलब इनकी तरफ से भी पार्टी बनती है इसका मतलब? अरे जब मेरा एक भाई कह रहा है कि दूसरे भाई की तरफ से भी पार्टी बनती है तो बनती है, कोई वजह होगी उसके पीछे? आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ आप ही पार्टी दे सकते हैं, बताइए जरा। अरे रीना तुम तो बस आप ना हमेशा मेरे मायके वालों को कम आंकते हैं, और हमेशा कहा है ये आपका। बस टिंकी बस भी कर, जब देखो जब भी मौका ढूंढे। देख लो मम्मी जी, आप मतलब मम्मी छोड़ो ये सब, पता है स्वप्निल ने नई कार बुक कर दी है। एक मिनट, क्या वेरी गुड। और आप लोग तालियां बजा रहे, सीटी बजा रहे तुम? भाई क्या किया इसने ऐसा, कार ही तो बुक किया ना। अरे भाई जब हमारा प्रमोशन हुआ था तो हमने स्कूटर बुक किया था, पूरे मोहल्ले में एक ही था। और एक बात और बता दें कि जितने की आज कार आती है ना, उससे कहीं महंगा था उस जमाने में वो स्कूटर, जो आज तक चल रहा है और 38 का एवरेज देता है। अब कीजिए कीजिए, आप लोग हैं कीजिए, हम जरा आते हैं। नीटू जी जी
टॉयलेट जा रहे हैं? मैं भी आता हूँ। आ जाओ चलो। वहाँ कहाँ जा रहे हैं? टॉयलेट यहाँ है। अच्छा इधर भी है। साले साहब ये सरप्राइज का क्या चक्कर है? बस खुशखबरी है। खुशखबरी इस उम्र में? कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा। अरे यार तुम्हारा दो दो बार सवेरा हो चुका है ऑलरेडी, अब तो तुम शाम की तरफ बढ़ रहे हो। बच्चे क्या सोचेंगे? सोचा नहीं? मैं बच्चों के कहने पे तो किया है, ऋषभ चाहता तो मैंने कहा ठीक है। मतलब ऋषभ को ये बात पता है? हाँ। ये तो कमाल है। और जानवी? वो तो बहुत खुश है। हैं? मैंने तो पापा को भी कहा था, माने नहीं वो। अरे यार मतलब तुमने पापा जी को भी साथ में रखा? मतलब है क्या ये? मतलब तुम बताओ। अरे आप बहुत अतावले हो रहे हैं, वो दिखाई करवा दूंगा ना मैं। दिया जी ये है सरप्राइज। स्मार्टफोन दिखाओ ना। दिखो। अच्छा तो ये कुछ खबरी थी? क्यों आपको क्या लगा? अरे हमें तो यार हमारा तो पसीना निकाल दिया यार तुम राजीव। दीदी। हाँ बोल ना। पापा ने तो स्मार्टफोन ले लिया। हाँ देखा मैंने। मैं एक बात को तो नहीं मानते, तूने एक बार कहा तो मान लिया। जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल? दीदी प्लीज। देखो बढ़िया, बहुत बढ़िया, पीछा खर्च सब बढ़िया। ऋषु। हाँ बाबा। इधर आओ भाई, आजा आजा। अरे क्या पे फोन लिया मैंने, तू ऑन करेगा इसे? ले। स्मार्ट है भाई लड़का, स्मार्ट है लड़का, तो ऐसा ही होना चाहिए घर में, ऐसा नहीं। वैसे साले साहब ये फोन आपने लिया कहाँ से? ये बापू बाजार से, मतलब जुगल किशोर की दुकान से। उसी से लिया है। आपने खरीदते वक्त हमारा नाम लिया? अरे क्या करते हैं आप राजीव जी, अगर हमारा नाम ले दिया था तो 500,000 तो वहीं कम हो जाते आपके। पापा आज के टाइम पे 2 GB रैम कौन लेता है? तेरा पापा लेता है। हाँ और 16 GB मेमोरी बस ये कौन लेता है? कहीं ना थारा पापा ले हुए। पापा आज के टाइम पे ना 4 GB रैम और 64 GB मेमोरी लेते हैं। हाँ। सीख अपने छोरा से कहीं सीख। सेठ लायो सेठानी, सेठानी बड़ी सोनी, घूंघट उठान देखे तो दाती कोनी। कनी राम राम है भाई ताने। अब बस करो थे, छोरा स्मार्टफोन लाया है, फालतू को खर्चो करके आया है। अरे खुशी मनाओ, जब देखो जब छोटे टीटू, थारे फोन में वो है, वो कैमरा, वो कहीं बोले हैं? मम्मी जी सेल्फी। सेल्फी? हाँ 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 सेल्फी सेल्फी। पापा हो ना? हाँ ले लो भाई। हाँ खींच खींच। आजा एक मिनट एक मिनट। थोड़ा थोड़ा इधर लो, इधर। अरे हम कट अरे कट रहे हैं इधर। सब राइट आओ, राइट आओ, राइट आओ। अरे 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 ये क्या क्या करके दिया भाई ऋषभ? मोबाइल बंद हो गया? पापा पापा लाइव में देखता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, ये लड़का भी ना कोई काम ढंग से नहीं कर सकता, जो चीज हाथ में लेता है बस तोड़ के रख देता है। नहीं पर अचानक से बंद हो गया, सेल्फी तो ले ही नहीं पाया हम, और गिरा तो बिल्कुल नहीं, गिरा नहीं। अच्छा खराब पीस है शायद ये। चार्जिंग खत्म हो गई थी इसलिए बंद हो गया। अच्छा बैटरी खत्म हो गई थी, वैसे ठीक है। हाँ ठीक है। साले साहब आ गए। वो फोन खराब नहीं हुआ था मेरा। हाँ। बैटरी खत्म हो गई थी। हमारा नाम लिया था, डिस्काउंट मिला के नहीं? आशीष कुमार अग्रवाल को तो जानते होंगे। कौन? वो जो नगर निगम में काम करते हैं। अच्छा वो वही 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 जीजा जी हमारे। वो आपके जीजा हैं? तो अब आपके लिए ये फोन 19,000 का हुआ। ठीक, कितने का? 19,000। भाई साहब अभी तो 18 का कहा था आपने।
हाँ वो क्या है ना कि आपकी जीजाजी 1000 रुपए हमसे लेके गए एक काम कराने के लिए, ना तो उन्होंने काम कराया ना मेरे पैसे वापस दिए। आप उनके साले हैं ना, तो अब वो पैसा हम आपसे वसूलेंगे। ठीक ठीक है, क्या हो गया साले साहब? मैं ठीक 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 है, चाय पीजिए अब। फेसबुक है? नहीं हाँ फेसबुक सही चीज है, बहुत पुराने दोस्त मिल गए मुझे इसमें। रीटा मिली? नहीं नहीं रीटा रीटा कौन है भाई? आपका पहला क्रश मिली? अरे वो मिलती है, तुम कहाँ मिलती? मैं रियल लाइफ की नहीं फेसबुक के बारे में पूछ रही हूँ। मैं मजाक कर रहा था। नहीं मैंने ढूंढा ही नहीं, ढूंढा ही नहीं। ढूंढेगा भी नहीं? हाँ ठीक ठीक नहीं ढूंढूंगा। बच्चों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी? हाँ बच्चों को बच्चों को क्या फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी भाई? अच्छा ठीक है भेज दूंगा। बच्चों ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं की? करेंगे। चलो अच्छा है, इसी बहाने बच्चे से दोस्ती हो जाएगी। हाँ अच्छा चेंज कर लीजिए। ठीक ठीक नहीं मैं उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करने वाला। ओ गॉड क्या हुआ दीदी? ऋषभ पापा ने मुझे इंस्टा पे फॉलो करना शुरू कर दिया है। ये सब ना तेरी वजह से, मैं तुझे अरे मुझे चल 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 ट्रैप है ये, और मैं इस ट्रैप में नहीं फंसने वाला। पापा पापा ही रहे तो ठीक है ना, मुझे नहीं बनाना उनको अपना फ्रेंड। बेटा मैं भी तेरा बाप हूं, देखते हैं कैसे नहीं एक्सेप्ट करता मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.